हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो गाइज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो जो लोग भी वेट कर रहे थे बहुत ही दिनों से अपने आरआरबी के एग्ज़ाम का, तो आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है rrbbhopal.gov.in, यहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पता चल जाएगा। आप भी इसको ओपन करके आप देख सकते हो। तो ये आपकी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है भोपाल की, जहाँ पे आपको ये न्यूज़ बताई गई है। देखिए न्यूज़ हम जल्दी से देखते हैं। ये यहाँ पे आपकी अपडेट आई है, नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT फेज़ वन। तो आपके फेज़ वन की एग्ज़ाम की नोटिस जो है वो आ चुकी है। कब से कब तक चलेगा, क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है और आपका कैसा क्या एग्ज़ाम है, तो सब कुछ आपको यहाँ बताया जाएगा। देखिए ये डाउनलोड कर लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो CBT ऑफ अबव CEN विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेजेस। बहुत सारे फेजेस में होगा, पांच फेजेस में होगा, ठीक है। मल्टीपल फेजेस है तो पांच फेजेस में होगा। ये आपका पहला फेज होगा जो कि आपका 17 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक चलने वाला है, ठीक है। तो मल्टीपल फेजेस अकॉर्डिंगली टू द फर्स्ट फेज ऑफ द एग्जाम, फेज वन विल बी हेल्ड फ्रॉम 17 अगस्त टू 25 अगस्त, सब्जेक्ट टू द प्रीवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इश्यूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन वेव ऑफ हैंडलिंग ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पे आपका मतलब एक मेन जो चीज निकल के आ रही है वो ये है कि आपका एग्जाम जो है फेज फर्स्ट का वो आपका 17 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक चलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद देखिए तो पांच फेजेस में टोटल आपके एग्जाम है। और अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, द CBT हैज बीन प्लान्ड अ मल्टीपल फेजेस बाय ग्रुपिंग। ये इसीलिए किया गया है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत ना हो, दूर तक उनको ट्रैवल ना करना पड़े। तो आपका ये जो फेज वन है ये कई सिटीज़ में होगा जो कि ओवरऑल इंडिया, ठीक है। अ ग्रुप कंप्राइजिंग द 3 RRC नेमली RRCs ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब ये करवा रही है, ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड द डेट डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी फॉर SC ST कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आपको एग्जाम सिटी की लिंक भी पता चल जाएगी, वहाँ से आप देख पाओगे कि आपका एग्जाम किस सिटी में होने वाला है, वो आप 9 तारीख से देख पाओगे, ठीक है। 9 अगस्त से आप चेक कर पाओगे कि आपका एग्जाम जो है वो किस सिटी में है। और अपने एग्जाम होने के 4 दिन पहले आप अपना आप अपना जो आई कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि दे आर लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट डाउनलोडिंग ऑफ द ट्रैवल अथॉरिटी। हाँ, जो SC ST के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए ट्रैवल अथॉरिटी की तरफ से जो पास जो बनता है वो भी आपका डाउनलोड हो पाएगा, ठीक है, 9 तारीख से। तो इसके बाद आपको जो आपके ई कॉल लेटर्स हैं मैंने बता ही दिया आपके, वो कब आने वाले हैं। ई कॉल लेटर्स आपके आने वाले हैं 4 दिन पहले ही आ जाएंगे आपके एग्जाम से, ठीक। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि आपको आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, इसलिए आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना होगा और कोई भी अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से आपको दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो आपके CBT टेस्ट की मेरिट पे होंगी, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं की घुसखोरी या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये बिल्कुल मतलब कहा जा रहा है कि एकदम पारदर्शिता बरती जाएगी। तो आपका एग्ज़ाम डेट जो है आ चुकी है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो गाइस 25 लाख लोग जो है, 25 लाख कैंडिडेट्स जो इसके लिए तैयार बैठे थे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे गाइस। अब आपको क्या करना है, सिर्फ खुश नहीं होना है, अपना रिवीजन जो है उसको बहुत अच्छे से चालू कर दीजिए। और अगर आपका एग्ज़ाम आपका फेज़ वन में होने वाला है तो अपनी कमर जो है अभी से कस लीजिए और तैयारी अच्छी कर दीजिए, ठीक है। और मैं यही विश करूँगी कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए और आप सभी लोग सेलेक्ट हो पाओ, ठीक है। तो बहुत होते हैं यार इतने सारे लोग, 25 लाख कैंडिडेट्स, तो आपको कॉम्पिटिशन तो रहेगा गाइस, लेकिन अगर आप तैयारी अच्छी करोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। मेरी यही आशा है कि आप सभी लोग सफल हो जाओ। और गाइज मुझे ये जरूर बताना कमेंट में कि आपका किस फेज में एग्जाम है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि वीडियो जो है वो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।